हमने तो इनको कहा कि चोर दरवाजा रटने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आज चोर दरवाजा से सत्ता में क्यों प्रवेश किए हैं। सात दल का गठबंधन है, अपार बहुमत की आपने कल्पना किए हैं, बिहार विधानसभा भंग कर करके आप चुनाव करा लीजिए और नया जनादेश प्राप्त करके सत्ता में आइए। जनता की भावना का प्रकटीकरण भी होगा, ऐसे तो प्रकटीकरण तीन उपचुनाव से हो चुका है कि जनता क्या चाहती है। इन लोगों का इकबाल समाप्त है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार सकते हैं। जब तक अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जनता का राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। भाजपा ने पहले जंगल राज से लोगों को निजात दिलवाया, अब गुंडा राज से लोगों को निजात दिलवाएगी, ऐसा कहना है बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का। दरअसल आपको पता है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर होती है। जैसे आए दिन अपराधी घटनाएं बढ़ रही है बिहार में, आए दिन अपराधी बेकौफ घूमते नजर आते, ऐसे में भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते और कटाक्ष करते नजर आती है। विजय सिन्हा जहानाबाद पहुंचे हो और वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पहले भाजपा ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलवाई थी और अब बिहार को गुंडा राज से मुक्ति दिलवाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार में गुंडा राज फैला है, गुंडों का शासन चल रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं। बनाए हैं उनके साथ, इन लोगों ने समझौता किया, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता फैली और प्रशासनिक अराजकता के कारण भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। आज इस मामला को लेकर हम लोग साथ थे, उस समय भी इनके प्रशासनिक अराजकता के विषय को लेकर के हम सतर्क सावधान कर रहे थे, लेकिन इनको स्वीकार नहीं था। और जिस तरह से हत्या अपहरण लूट बलात्कार का माहौल बना है, आपके बगल में ही हम लोग आए हुए थे भी कुछ दिन पहले ही परासी में, इस तरह की हर जगह जो घटनाएं घटित हो रही है अपराध का और भ्रष्टाचार का, तो ये आलम है कि ब्लॉक से लेके जिला तक अपराधियों का जिस तरह से संरक्षण और सही कार्य के लिए भी यहाँ ही बता रहे हैं कि जमीन के मामले में, बकास जमीन के मामले में भी कई लोग शिकायत किए कि दोहन और शोषण की प्रवृत्ति बनाई जा रही है, जुनून मामला को भी लटकाया जा रहा है, शराबबंदी के नाम पर बिहार में पूर्ण नशाबंदी को फिर किया जा रहा है और इसका साइड इफेक्ट भी कई रूप में प्रदर्शित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कभी पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में नहीं रहने के कारण शराबबंदी के नाम पर एक अभिजात्य वर्ग अपराधियों का खड़ा कर दिया गया और थाना और प्रशासन के मिली भगत से अवैध कमाई का एक रास्ता खोला गया, जिसका दुष्परिणाम अछपरा जैसे जहरीली कांड, जहां प्रशासन और शासन के संपोषित नरसंहार के रूप में प्रदर्शित हुआ। जहानाबाद में तो अपराध और जातीय उन्माद के कारण नरसंहार पैदा हुआ था, लेकिन छोटे भाई के भ्रष्टाचार के कारण ये नरसंहार छपड़ा में जबरदस्त। देखिए, पुलिस पदाधिकारी का मनोबल गिरा हुआ है, कप्तान बदलने से जब तक सैनिक का मनोबल गिरा रहेगा, युद्ध नहीं जीता जा सकता है। जब सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ गई है,
तो सारे अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ गया है, इसलिए चाह करके ये रोक नहीं पाएंगे। हमने तो इनको कहा कि चोर दरवाजा रटने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आज चोर दरवाजा से सत्ता में क्यों प्रवेश किए हैं। सात दल का गठबंधन है, अपार बहुमत की आपने कल्पना किए हैं, बिहार विधानसभा भंग कर करके आप चुनाव करा लीजिए और नया जनादेश प्राप्त करके सत्ता में आइए, जनता की भावना का प्रकटीकरण भी होगा। ऐसे तो प्रकटीकरण तीन उपचुनाव से हो चुका है कि जनता क्या चाहती है। इन लोगों का इकबाल समाप्त है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार सकते हैं। जब तक अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। अध्यक्ष के पद पर रहे थे और शत प्रतिशत प्रश्नों का आना और शत प्रतिशत सदन को चलाना ये अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, सरकार पक्ष की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार पक्ष के लोगों ने, हमने प्रतिपक्ष में के नेता तेजस्वी यादव जी को कितना सम्मान देते थे, प्रतिपक्ष की कितनी बात को सुनते थे, वह भारतीय जनता पार्टी का संस्कार था। वो भारतीय जनता पार्टी हर माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका सम्मान करता है, सबके अधिकार की रक्षा करती है। लेकिन जो लोग सदन के अंदर वातावरण बनाए कि प्रतिपक्ष के माइक की आवाज को बंद कर देना, उनके तरफ उनके फोटो को भी नहीं दिखाना, वीडियो भी नहीं जारी करना, ये गलत है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा और हमने इसका प्रतिवाद भी किया है। और हमने कहा है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के कार्य को पूरा बिहार और देश देखे, और आपका स्पीकर के कार्य को भी पूरा बिहार और देश देख रहा है। जहानाबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि पहले भाजपा ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाया था, अब बिहार को भाजपा ही गुंडा राज से मुक्त करवाएगी। बिहार के दो यानी उप मुखिया और मुखिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में गुंडा राज फैला कर के रखे हैं। बिहार में गुंडों का शासन चल रहा है, जनता का शासन तो यहाँ है ही नहीं। पुलिस को डर के रहना पड़ता है, लोगों को डर के रहना पड़ता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जिस प्रकार कभी आरा में, कभी वैशाली में, कभी बेगूसराय में ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहती है, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, तो कैसे विजय सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री को घेरते नजर आ रहे, हमने आपको दिखाया। ऐसे तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।